शुरुआत करो ना जब स्कूटर चलाना, तब ये वर्क नहीं करता है। व्हील से थोड़ा सा आवाज़ आने लग रहा है जो कि मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने उतना डिटेल में तो चेक किया नहीं था। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हमने अपने ओला स्कूटर को लगभग 500 किलोमीटर चला लिया है, और 500 किलोमीटर चलाने के बाद कैसा रिव्यू रहा है और मैं क्या कहना चाहूँगा सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो देखो हमारे स्कूटर में जो चार्जिंग पोर्ट है ना, इसमें मैंने अपना बैटरी चार्ज में लगा रखा है, तो ये अच्छी चीज़ इसमें मिल गई है। तो हमारे इस स्कूटर में हवा भी कम है, तो हवा भी कहीं पेट्रोल पंप पे किसी पे जाके भरवाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम अपने इस स्कूटर को 500 किलोमीटर चला चुके हैं, 500 किलोमीटर से ज़्यादा ही हो चुका है, 748 किलोमीटर टोटल हम इसे चला चुके हैं, और देख सकते हो मेरा फ़ोन भी इससे अभी कनेक्ट है। तो दोस्तों 500 किलोमीटर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है इसमें, वो भी मैं आपको एक बार बताऊंगा अभी। तो गाइस देखो ये वाला जो स्कूटर है ये मैंने लिया था, तो मुझे तो चलाना आता नहीं था शुरू में, तो ऐसे में मैं क्या ही बताता कि क्या क्या चीज़ें रही है, और मैंने इसको सही से चेक भी नहीं किया था, उतना बढ़िया से हम इसकी टेस्टिंग भी नहीं कर पाए थे कि मतलब क्या क्या चेक करना चाहिए। अब कोई स्कूटर बाइक लेता है तो उसको पता होता है भाई कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितने दिनों पे सर्विसिंग होनी है, और गाड़ी के साथ भी क्या क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें भी लोगों को पता होता है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि गाड़ी के साथ क्या मिलेगा, क्या क्या लेना ज़रूरी है। वो इंश्योरेंस भी तो वहीं जाके पता चला था कि इंश्योरेंस भी इस गाड़ी के साथ लेना पड़ेगा, और वो भी हमने वहाँ पे लिया था, नहीं तो मैं तो वैसे पहुँच गया था जो इंटरनेट पे शो करता है ना कि गाड़ी का प्राइस ये है, एक्स शोरूम प्राइस, वैसे वहाँ पे जो शो कर रहा था मुझे 89,000 रुपये का, तो मैं तो वही समझ रहा था उतने की गाड़ी आएगी और उतने का मैं ले लूँगा जाके। तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि 500 किलोमीटर जब चला लूँगा ना तो एक वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, लेकिन 500 किलोमीटर हमने चला भी लिया और मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया बिल्कुल भी। तो मैंने 500 किलोमीटर भी चलाया, देखो अभी 750 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं आपको दिख रहा हो, तो 750 किलोमीटर अभी हम इसको चला चुके हैं, और अभी तक हम जो ये स्कूटर चला रहे हैं तो सब कुछ सही चल रहा है। मेरे को ये मेरे फ्रेंड ने कॉल किया और वो बता रहा है कि उसने भी सेम स्कूटर मतलब लिया है, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने किसी ने लिया है, तो उससे अब मेरी भी दोस्ती हो ही गई है। तो उसने मुझे बताया कि भाई हमारा वाला जो स्कूटर है ना उसमें हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो मैंने बोला अच्छा भाई, तो वो बता रहा था कि जो मेरा वाला जो स्कूटर है उसमें मुझे उतनी रेंज नहीं मिल रही है। अब वो मेरे को कह रहा है कि भाई इको मोड पे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 100 किलोमीटर ये गाड़ी चलने वाली है, और वो ये भी चेक कर रहा था कि कितने परसेंट चार्ज है और कितने किलोमीटर ये गाड़ी चली है, तो इस हिसाब से वो चेक करके बता रहा था कि इतनी रेंज मेरी गाड़ी नहीं दे रही है। तो दोस्तों जब नया नया मैं चलाना शुरू करा था ये स्कूटर, मतलब पहली बार जब मैं चला रहा था तो उस टाइम तो आता नहीं था, तो हर कोई बोलता था भाई सामने देखियो, और मैं हर बार इसके डिस्प्ले में देखना शुरू कर देता था, तो ये वाली प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है जब नए नए होते हैं। तो अभी दोस्तों देख सकते हो कि कैसा चल रहा है हमारा स्कूटर, तो अब तो डर लगना भी ख़त्म हो गया चलाने में। शुरुआत में लगता था ना कि मैं चलाऊँगा तो अगल बगल में लड़ जाएगी, थूक जाएगी कहीं भी, कोई भी आके धक्का मार जाएगा, बहुत सारे जो डर थे ना जो शुरू में लगता था ऐसा होगा, लेकिन ऐसा अब बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन मैं हमेशा मतलब बोलते हैं घर पे कि थोड़ा आराम से चलाना है, ऐसे चलाना, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ और आराम से ही चलाता हूँ। देखो भाई कितनी भीड़ है, स्कूल की छुट्टी हुई है इधर, तो स्कूल की छुट्टी हुई है तो इधर भीड़ है। बाकी इस गाड़ी में मुझे जो ग्लिच देखने को मिले हैं तो वो अभी भी है, देखो रह रहे के प्रॉब्लम आती है, कभी ये वर्क नहीं करता कभी ये, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है इसीलिए मैं जा नहीं रहा बोलने के लिए इसके लिए, नहीं तो इसके लिए मुझे जाना है एक बार वहाँ पे बोलने कि भैया देखो ये प्रॉब्लम है। देखो एक्सेलेटर जो है रिवर्स में घुमा रहा था तो इसका ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा था, मतलब ये जो रेस्पॉन्स आता है वो हो नहीं रहा था, लेकिन अभी ये वर्क कर रहा है फ़िलहाल, पता नहीं क्या हुआ था। शुरुआत करो ना जब स्कूटर चलाना,
तब ये वर्क नहीं करता है, लेकिन जब थोड़ी देर चलाते रह जाते हैं ना, थोड़ी देर चला लेते हैं, तब ये वर्क करना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है और उस टाइम मैं यही कह रहा था कि कोई भी स्कूटर या बाइक कुछ भी अगर आप लेते हैं तो कई बार लोगों को चलाने आता है तो वो लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन हमने उतना डिटेल में तो चेक किया नहीं था क्योंकि ना तो किसी को चलाने आता था घर में और ना किसी ने चलाया था। और ये हमने पहली बार ख़रीदा था, पहली बार हमने मतलब हमें पता चला कि गाड़ी के साथ क्या क्या लेना होता है। और दोस्तों आपने देखा था कि मतलब ये स्कूटर हमने ले लिया, उसके बाद हमें इसमें क्या क्या कमियां हमें देखने को मिली थी, कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली कि कभी ब्रेक काम नहीं कर रहा था, तो कभी लाइट काम नहीं कर रहा था, कभी रिवर्स मोड काम नहीं किया, और उसके बाद तो इसका जो सीट था ये भी बंद नहीं हो रहा था। तो इस तरह से हमें कई सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिली थी। एक बार ये पार हो जाए भाई, देखो ये है ढलांग है इधर, तो भाई ब्रेक का ध्यान रखना होता है और सारी चीज़ों का। ये देखो तो भाई साहब मुझे इधर ही जाना है ना, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, इधर ही जाना होगा। तो आपने देखा था कि कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी जिसको हमने ठीक भी कराया सर्विस सेंटर से, और सर्विस सेंटर वाले शुरू में तो कर ही दे रहे थे, लेकिन बाद में अब वो बोलने लगे कि अब अपॉइंटमेंट लेके आना, क्योंकि शुरुआत में अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था ना, जब एक हफ्ता के अराउंड हुआ था, एक या दो हफ्ते ही हुए थे, तब तो वो बिना अपॉइंटमेंट के ही काम कर देते थे, लेकिन अब वह कहने लगे कि आपको अपॉइंटमेंट लेके आना होगा तब आपका स्कूटर ठीक होगा, और आप अपॉइंटमेंट लेके आना, आप घर से एक दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लेना आपके स्कूटर में क्या प्रॉब्लम है और क्या ठीक कराना है। कई बार मैं दूसरों का सहारा ले लेता हूँ मुड़ते समय, दूसरों देखता हूँ ना कोई मोड़ने वाला है तो उनके साथ साथ निकल जाता हूँ कि चलो भाई मैं भी मोड़ लूँगा। तो भाई देखो आज मैं दूसरी बार हवा इसमें भरवाया, एक महीना होने वाला है। बाकी दोस्तों ही जो स्कूटर होते हैं उसमें क्या है कि सर्विस भी कराना होता है, तो मेरे को मेरे दोस्त ने बोला कि भाई सर्विस सर्विस का भी कुछ है क्या, तो उसके बारे में मैंने अभी कुछ खास पूछा नहीं है, पता नहीं इसमें सर्विस होता है या नहीं होता है। और बाकी वो बता रहे थे कि 750 किलोमीटर या 500 किलोमीटर पे स्कूटर होते हैं या बाइक होते हैं तो उनकी सर्विसिंग होती है, तो ऐसा कुछ होता है एक महीने पे। और हमारे इस स्कूटर में ना कोई सर्विस अभी हमने कराई है, एक बार इसके बारे में पूछूंगा, क्योंकि आज ही मेरे फ्रेंड ने बोला कि इसकी सर्विस सर्विस होती है तो पूछ लियो भाई, तो उसके बारे में भी एक बार मेरे को उनसे पूछना है। बाकी दोस्तों इसके जो पहिए हैं, पहिए में से भी थोड़ी सी आवाज़ आती है जब हम ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, लगभग 40 से ऊपर की जब स्पीड होती है ना, 42, जब हम इको मोड में फुल करके चला रहे होते हैं, मतलब फुल स्पीड में इको मोड पे 42 की स्पीड में जाती है लास्ट स्पीड, और उस स्पीड पर जब हम इसे चला रहे होते हैं ना तो इसके पहियों से चू 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 आवाज़ आती है, तो उसके लिए मैंने सर्विस सेंटर बोला था, वो कह रहे हैं हब टायर है, पता नहीं क्या बोल रहे थे, हब मोटर वाला है तो इसमें आवाज़ आएगी, ऐसी आवाज़ रहती है, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता है कि चू 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 आवाज़ आ रही होती है कंटिन्यू, हम कंटिन्यू चल रहे होते हैं और कंटिन्यू इस तरह की आवाज़ आ रही होती है, तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता वो। जब बहुत तेज़ हो जाता है तब वो आवाज़ गायब सी हो जाती है, मतलब थोड़ा बदल जाती है आवाज़, तब कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन जब 42 की स्पीड में चल रही होती ना इको मोड में, जब फुल चल रहा होता है तब वो जो आवाज़ आती है तब बहुत ही बुरा लगता है उस टाइम। बाकी साउंड की बात करें तो ऐसा कोई साउंड ज़्यादा आता नहीं है गाड़ी से, कभी कभी तो लोगों के बगल से गाड़ी निकल रही होती है और उनको पता ही नहीं होता कि बगल में से हमारे कोई स्कूटी निकलने वाली है, स्कूटर निकलने वाला है, उनको पता ही नहीं लगता, बगल से गाड़ी निकल जाती है उनको पता ही नहीं लगता, तो आवाज़ तो बिल्कुल नहीं है, कम स्पीड चलाओ तो बिल्कुल पता नहीं लगता किसी को कि बगल में हमारे स्कूटर कोई गुजर रहा है, लेकिन थोड़ा तेज़ कर लो तो व्हील से थोड़ा सा आवाज़ आने लग रहा है। तो दोस्तों देखो 500 मीटर स्कूटर चलाने के बाद जो भी चीज़ें मिली वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, जो जो कमियाँ हुई थी, जो जो प्रॉब्लम देखने को मिली है, बाकी सही चला है, हमने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, कोई कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं लिया,
और ना ही उतना नॉलेज था, ना उतना टेस्ट करने की नॉलेज थी, ना कुछ था, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में तो हमने इसको टेस्ट भी नहीं किया। हमारे लिए स्कूटर बेस्ट है क्योंकि हम लोग जो है दो तीन भाई बहन हैं, सब लोग चलाते। अगर पेट्रोल वाली होती तो थोड़ा सा पेट्रोल हमें भरवाना पड़ता, जिसमें हमें थोड़ा लगता कि मतलब हमें पैसे वैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, वरना हमारे पास पैसे होते कि हम रेगुलरली कुछ पैसे खर्च करके पेट्रोल डलवाते, तो इसीलिए हमने ये वाला स्कूटर लिया था। आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, धन्यवाद।